हेलो दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज। मेरी तरफ से सभी वॉलीबॉल प्रेमियों को रमज़ान की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। दोस्तों, आज हम आप सभी को सीधे लिए चलते हैं सहरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, जहां पर सहरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया था मोहनपुर वर्सेस सहरिया के बीच में, जो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला खेला गया था। एक सेट जीता है सहरिया ने, दूसरा सेट जीता है मोहनपुर ने। अब हम आपको ये तीसरा सेट दिखाते हैं, एक बेहतरीन मुकाबला। लेकिन ना बॉल को मेरा बताना चाहिए ना, यहाँ पे आना चाहिए तब दिखाई दे नहीं मिला उनके टीम को, सहरिया को फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में लाठी और मिनहाज मार्क। बहुत ही अच्छा प्रहार यहाँ पर मिनहाज मार्क के द्वारा, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है चेंज करने में कामयाब सहरिया। 1-1 की ये सर्विस सहरिया की ओर से तजामुल के द्वारा। एक बार पुनः मौका है यहाँ पर इमरान के पास, अच्छा स्मैश, उतनी लाजवाब फील्ड का मुजाहरा आसिफ के द्वारा, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा इमरान, और एक बार फिर से उमदा प्रहार यहाँ पर मिस कर रहे, और यहाँ पर फायदा मिलता हुआ मोहनपुर को चेंज के रूप में। देखना बात जिसमें क्या यहाँ पर एक अंक और अर्जित करेंगे। तीसरा सेट काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने एक एक सेट अपने नाम किया है। अच्छी सर्विस एआईएम मफिजुल, उमदा प्रहार, बहुत ही बेहतरीन सेव यहां पर। एक बार फिर से गेंद काफी ऊंचा उठता हुआ, एक बार फिर से मफिजुल के पास गेंद आ रही है, हल्के हाथों से हुआ, क्या नजाकत, बड़े अंदाज से गेंद को केवल पुश किया। बीच बीच में प्लेसिंग का काफी इंपोर्टेंट रहेगा मफिजुल के लिए, क्योंकि लगातार आप 5 सेट में कंटिन्यू स्मैश नहीं कर सकते हैं। उमदा प्रहार यहाँ पर मिनहाज मार्क के द्वारा, इसी के साथ चेंज करने में कामयाब। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस फाइनल की ट्रॉफी को कौन सी टीम अपने नाम करती है। 1-1 की यह सर्विस, और यहाँ पर चेंज करने में कामयाब सहरिया। 5 सेट का ये बेहतरीन मुकाबला, जिनमें 2 सेट आप सभी ने देखा, एक एक सेट दोनों टीमों ने अपने नाम कर लिया है, और 10 मिनट इस सेट में अभी तक बीत चुका है, लेकिन दोनों टीमों का स्कोर जो है 1-1 है। अजफर, अच्छी सर्विस अजफर के द्वारा, एआई मफिजुल ब्लॉक करने का प्रयास था लेकिन नाकामयाब, फायदा मिलता हुआ सहरिया को। 1-1 की यह सर्विस, नजमुल हल्के हाथ से बॉल को धकेल, अताबुर से मिनहाज मार, बहुत ही उमदा प्रहार, और इसी के साथ चेंज करने में कामयाब। दोनों टीमें जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, और इन दोनों टीमों में से कोई भी टीम अपने आप को कमतर नहीं आंक रहे हैं, और यहां पर बहुत ही उमदा प्रहार। और इसी के साथ चेंज कर रहे हैं कामयाब। 1-1 की है सर्विस, सर्विस लेकर के आएंगे तजम्मल, और ये लाजवाब ब्लॉक। इसी के साथ यहां पर काफी समय के बाद सहरिया के खाते में एक और अंक जुड़ता हुआ, 2-1 की है सर्विस लाठी। एक बार पुनः सेट करने का प्रयास, और ये उमदा प्रहार नाजवान खिलाड़ी के द्वारा, इसी के साथ यहां पर चेंज करने में कामयाब। 1-2 की यह सर्विस, लाजवाब फेल का मुजाहरा पेश करते हुए हल्के हाथ से धकेलने का प्रयास किया था, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन करते हुए मफिजुल एक बार पूरा, और इसी के साथ चेंज करने में कामयाब। एक सेट जो है लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में यहाँ पर हो रहा है इन दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक जो है 10 से 12 मिनट हो चुका है, लेकिन दोनों ही टीमों का जो स्कोर है 1-2 है, तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि सहरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी किसके
सर पर सजेगी और ये ब्लॉक लाजवाब। इसी के साथ एक और अंक अर्जित करता है। इसी के साथ दर्शकों दोनों टीम इतने मजे अच्छी सर्विस नजमुल का बेहतरीन सेट इसका और ये मिनहाज मार का हल्के हाथ से और ये बहुत ही चालाक चतुर नजमुल ये आए इमरान द मास्टर मुफिजल के रवाना हो क्या मजा का भरा अंदाज था। लेकिन ना जितनी तारीफ की जाए इमरान का वो भी कम है क्योंकि बहुत ही अच्छा फील्ड का मुजहरा पेश करते हैं बॉल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और यहाँ पर एक और अंक जुड़ता हुआ सहरिया के खाते में 3-2 3-2 के सर्विस सर्विस आनी है तजमल के द्वारा 3-2 की ये सर्विस इमरान और ये आए गुलफराज। इसी के साथ पुनः चेंज होता हुआ दर्शकों की आंखें तरसता हुआ वो इंतजार कर रहे थे कि एक घंटा में यह मैच हो जाएगा लेकिन जी नहीं अभी आपको लगभग 2 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। और यह ब्लॉक पुनः लाजवाब एक बार जोड़ लेते हैं इमानपुर के खेल के लिए दोनों टीमों की तरफ से भरपूर ताली की गड़गड़ाहट आता हुआ दर्शकों के बीच और यहां पर पहले गिर चुके थे फिर क्या किस तरह से गेंद को और यहां पर मौका है और लेकिन मिस कर गए आउट करार दिया गया मुजीबुर रहमान साहब द्वारा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मोहनपुर का 4-3 की ये सर्विस और मिनहाज मार्क्सिल इसने आकार ये गुलफराज आप जो है पहले सिर से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि फाइनल की ट्रॉफी इनके सर पर सजेगी। दोनों टीमों के बीच में जारी है और एक बार फिर से स्टैंप गोल को सेट करेंगे इस बार अजफर के लिए और अजफर चालाकी दिखाने में कामयाब। इसी के साथ और एक अंक जुड़ता हुआ 6-3 अच्छी सर्विस और यहाँ पर और एक अंक जुड़ता हुआ यहाँ पर कुछ न कुछ अलग करने की आवश्यकता है यहाँ पर सहरिया की टीम को क्योंकि केवल आप मुफिजुल के बलबूते पे इस बॉल बॉलबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकते हैं ना कि और आसिफ को भी इससे बेहतर खेल दिखाने भी की आवश्यकता है कि आप ये ना भूलें कि आपका अपोनेंट टीम के पास 5-5 स्मैशर है बहुत ही उम्दा प्रहार और ये आउट करार दिए गए। इसी के साथ चेन सर्विस कंटिन्यू चलिए 4-7 4-7 की ये सर्विस तजमुल बड़े हल्के हाथ से लिया था लेकिन यहां पर उनसे गलती होता हुआ। इसी के साथ 7-4 7-4 की सर्विस सर्विस लेकर के आएंगे आज पर मोहनपुर की तरफ से बहुत ही उम्दा प्रहार और इसी के साथ कंटिन्यू सर्विस 8.5 8-4 क्या मोहनपुर की टीम लगातार 2 सेट जीत लेंगे और यहां पर एक और अंक जुड़ता हुआ। इसी के साथ टाइम आउट ले लिया गया है लेकिन अजफर जो काफी बेहतरीन सर्विस कर लगातार और ये उम्दा प्रहार था लेकिन बॉल बाहर चली जाएगी टच आउट करा दिया गया है। चार 9 4-9 की ये सर्विस है मिस कर रहे यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे फायदा मिलता हुआ सहरिया को 5-9 की ये सर्विस सहरिया 4 अंकों से पीछे तजमल पूरा तैयार है सर्विस लेकर आएंगे 5-9 की ये सर्विस और ये उम्दा प्रहार
राइट का इशारा दिया है। इसी के साथ चेन से रुस नौ पांच की ये सर्विस पांच नौ की ये सर्विस नौ पांच की सर्विस और ये अच्छी सर्विस और एक बार फिर से ओहो क्या बात है, क्या डिफेंस है, लाजवाब डिफेंस है। ओहो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मौलपुर का टीम शारिया फाइव दस पांच की ये सर्विस पांच दस की ये सर्विस चेन सर्विस पांच दस इसी के साथ चेन और यहाँ पर ओहो मिस करते हुए लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही एक और अंक जुड़ता हुआ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मौलपुर लगातार दूसरे सेट को भी अपने नाम कर लेंगे। पांच ग्यारह पांच ग्यारह की ये सर्विस क्या कंटिन्यू करेंगे सहरिया के टीम देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। आहा ब्लॉक लाजवाब एक बार नकीब के लिए जोरदार ताली बट ब्रिलियंट ब्लॉक सिक्स इलेवन छह ग्यारह की ये सर्विस नली पे पहला यहां पर मिनहाज माकिया और इसी के साथ चेन सर्विस ग्यारह छह इलेवन सिक्स पांच अंकों का फासला है। इस समय बड़ी परेशानी में नजर आते हुए सहरिया हल्के हाथों बॉल पर थकेला और यहां पर फायदे में रहेंगे चेंज करने में कामयाब सहरिया कंटिन्यू करने की आवश्यकता है सहरिया को। अगर यह से तो फिर मौनपुर की टीम पूरी हावी हो जाएगी। सिक्स इलेवन की ये सर्विस चालाकी कर गए यहाँ पर केवल हार्ड हिटिंग पे ही विश्वास ना रखे बीच बीच में प्लेसिंग काफी आवश्यकता रहती है। अगर आपको अंक अर्जित करने हैं तो लगातार गेम में बने रहना है तो आपको जोश के साथ होश की भी आवश्यकता पड़ती है और इसमें ध्यान और इसी के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ मौलपुर का 12 एंड 6 12 6 बहुत अंतर है। एक बार पुनः तैयार है 12 6 की ये सर्विस सर्विस करेंगे आज पर इसी के साथ सेकेंड लास्ट बॉल ये जाने आध घंटा में दो घंटा बन जाए। तेरह छह दर्शकों से गुजारिश है कृपया बॉल बाहर गई नहीं है उसके अंदर सकने का आ गई है थैंक यू और ये उम्दा प्रहार मुफस्सिल के द्वारा बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर और यहाँ पर एक और रन मिलता हुआ इसी के साथ दर्शकों मौलपुर के लिए जोरदार गेंद ले आप शर्मा ले ले है।
614 614 की ये सर्विस चेंज करने में कामयाब। दर्शकों अगर आप इस सुनहरे पल को दोबारा याद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप शरीफ नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन ना थक चुके हैं ऐसा नजर आ रहा उनका बोल लेंगे से, क्योंकि लगातार बेहतरीन प्रहार उनके द्वारा। यहाँ पे एक अंक मिल जाएगा सरिया के खाते में और इसी के साथ 714। लेकिन ना अभी भी लंबी लड़ाई लड़नी है सरिया की और ये टच आउट करती हुई गेंद बाहर जाएगी कोर्ट से और उसका फायदा मिलेगा। 14-7 यानी गेम बॉल पे है मोहनपुर की टीम, लगातार दो सेट अपने नाम कर सकती है और गेंद बाहर चली जाएगी, थोड़ा चेंज होता है। 7-14 झड़ा कुर्सी मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था सहरिया के बारे में कि सहरिया ने सभी लोगों का दिल जरूर जीता है लेकिन उनको ट्रॉफी जीतने की आवश्यकता है। अरे तार में तो लगा तो कमर नहीं हो सर, ने पहले भी बोल दिया गया अगर तार पे लगता है तो पॉइंट दिया जाएगा, डिस्कस मत कीजिए, पहले भी बोला गया है। किसी की तरफ से अगर तार में टच होता है तो वो पॉइंट माना जाएगा, वो सबके लिए है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। 14-8 की ये सर्विस, हाँ क्या ब्लॉक है वहां से लाजवाब ब्लॉक। मुफज्जिल वन मैन आर्मी 814 की ये सर्विस, क्या बात है, क्या बात है बॉस लाजवा। एक और अंक अर्जित करता हुआ यहां पर नकीब अरुण की टीम सहरिया। टाइम आउट ले लिया गया है मोहन। अभी अनुमान था 2 घंटा बीत चुका है। बहुत ही उम्दा प्रहार और एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक, क्या वापसी कर लिया सहरिया ने, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ये आए जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम नजमुल के द्वारा। लाजवाब खेल का मुजाहरा, ज्यादा समय ना ले हाथ, क्या इसका अंजाम क्या होगा देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ओहो गेंद छिटक गई, अब मौका है अब तो 0-0 सुपर थ्री हो गया, सुपर थ्री 3 के बाद चौथे पॉइंट पे गेम होगा। 3 के
में। एक एक मिनट भी अंपायर साहब, तीन के बाद चौथे पॉइंट पे होगा ना, तीन पॉइंट के बाद गेम बोर। तीन पॉइंट होने से गेम बोर होगा। चलिए दोनों को टीमें सुनिए, तीन पॉइंट होने से गेम बोर हो जाएगा। और ये यहां पर एक और अंक जुड़ता है 2-0। एक अंक लेंगे तो फिर यह सेट जो है जीत जाएंगे, यानी 3 होगा मोहनपुर यहां से जीत लेंगे। 3 के बाद 4 में क्या होगा टाइम चलिए यहां पर एक बार फिर से चलिए यहां पर चेंज करने का मौका मिल गया शहरिया को। 0-2 की सर्विस शहरिया। वाह क्या सेव है, बहुत ही उम्दा फील्ड का मुजार शहरिया की जानिब से। और उनका प्रहार यहां पर प्रिंस के द्वारा, जिसने मनारपुर के खिलाफ गेम फिनिश किया था, उनको मौका दिया गया है यहां पर फिर 2-0 की यह सर्विस। और यहां पर एक बार फिर से इमरान, एक बार फिर से लास्ट बॉल तो मैसेज ब्लॉक। और यहां पर चेंज, और एक बार फिर से नहीं, इसी के साथ चेंज सर्विस 2-0। इसी के साथ मोहनपुर ने यहां तक अपने